अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको ब्रेड मलाई बनाना बता रही हूँ और ये बहुत मज़े की होती है और आसानी से बन जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है आप देख लें। एक गिलास दूध लिया है मैंने भर के, और ये 6 अदद स्लाइस हैं, ये आधा कप खोया है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी है, और ये पिस्ते हैं, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इनको मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इस ब्रेड स्लाइस को ऐसे रोल करेंगे। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। इस तरह से हम इनके किनारे अलग कर देंगे। हमारा खोया है, अब हम इसमें ये पिस्ते शामिल करेंगे। थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश के लिए, और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब मैं इसके छोटे छोटे रोल बनाऊंगी। इस तरह से, और ये इस तरह से मैंने 4 रोल बना लिए हैं जिनको हम ब्रेड में भरेंगे। और ये दूध में मैंने चीनी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हम इसकी रबड़ी तैयार करेंगे। और ये पिस्ता थोड़ा सा अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा खोया भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और अब हम इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी। व्यूवर्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इन्हें लाइक भी ज़रूर किया करें, और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। और अब मैं इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया है। ये हमारी रबड़ी अब तैयार हो गई है, ये देखें ये गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा, बस ज़रा सा इसमें ये येलो फूड कलर शामिल करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें ये हल्का सा मैंने इसमें कलर डाला है, ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। और अब ये हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसको इस तरह से दूध में डिप करेंगे हल्का सा। ऐसे हम इसको यहाँ पे रखेंगे, और ये जो रोल हमने तैयार किया था ये इसमें रखेंगे, और इसको इस तरह से हम एहतियात से रोल कर लेंगे ऐसे, और इसको उठा के हम इधर रख देंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने रबड़ी तैयार की थी वो डाल दूंगी। ये जो पिस्ता हमने बचाया था गार्निश के लिए वो डालूंगी।
और ये इसके ऊपर मैं अब ये एक एक बादाम लगा दूंगी ऐसे। और ये हमारी ब्रेड मलाई अब बिल्कुल तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।